भंडारे वाला प्रसाद और मंदिरों में बनने वाला प्रसाद हम सभी को पसंद होता है, पर वो छोले पूरी हमसे घर पर नहीं बन पाती हैं। तो आज वही रेसिपी मैं आपको घर पर बनाना बताऊंगी। तो चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ नम्रता। तो आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तीन चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे जीरा डाल देंगे। एक चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा डाला हुआ है। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। आज से 10 यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली हुई। थोड़ा ध्यान पूर्वक यहाँ पे डालें, ये थोड़ा चटकती हैं तो हाथों पे आ सकती हैं। अब मिला लेते हैं। जैसे ही हमारा जीरा और काली मिर्च सीजर कर जाए वैसे ही हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे 5 चॉप किए हुए। 1 इंच अदरक डाली हुई मैंने। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डाली हुई हैं और 2 हरी मिर्च मैं यहाँ पे चॉप करके डाल दूँगी। इसको हाई फ्लेम पे हमें पकाना। थोड़ा सा हमारा प्याज यहाँ पे पिंक हो जाए बस उतना हम यहाँ पे पकाएंगे प्याज को। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और लाल मिर्च ली हुई है। आप अपने तीखा जितना खाते हो उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नमक लिया और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। मिला लेते हैं इसको। 2 चम्मच छोले मसाला लिया हुआ है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है कलर के लिए। मिला लेते हैं हम सभी को। थोड़े से धनिया और थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी लेंगे, क्रश करके डाल देंगे। इसमें छोलों में अच्छा फ्लेवर आएगा कस्तूरी मेथी का। अब इसे ढक के 2 मिनट के लो फ्लेम पर मसालों को पकाएंगे। 2 मिनट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। मिला लेते हैं हम इसी को। देखिए यहाँ पे हमारे मसाले कितने अच्छी तरह पक के तैयार हो गए हैं। लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे मसालों को पकाना है। यहाँ पे 2 चॉप किए टमाटर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाली क्योंकि मेरे यहाँ पे टमाटर कच्चे थे, इस वजह से मैं थोड़े आमचूर पाउडर। आपके टमाटर जूसी हो तो आप नहीं डालें आमचूर पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डालेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे हम टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए पकाएंगे। टमाटर यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बस हमें टमाटर को पकाना नहीं है, बस सॉफ्ट करना है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। वही कढ़ाई ले ली है। 2 से 4 चम्मच यहाँ पे घी लेना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए वैसे ही जो हमारा बना हुआ पेस्ट है वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। साइड में लगा हुआ जो पेस्ट है वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जार में भी काफी सारा मेरा पेस्ट बच गया था तो मैं यहाँ पे वो भी निकाल लूंगी। देखिए कितना बचा हुआ है तो ये भी निकाल लेते हैं। मिला लेते हैं और 1 मिनट के लिए यहाँ पे मसालों को पका लेंगे।
ढक के 1 मिनट के लो फ्लेम पर पकाना है। 1 मिनट हमारे यहाँ पर हो चुका है, मसाला पक चुका है, तो अब यहाँ पे हम चला लेते हैं और छोलों को यहाँ पे हम डाल लेंगे। यहाँ पर हमें छोलों को इतना पकाना है कि हम दबाएं तो ये आसानी से प्रेस ना हो, बस इतना ही पकाना है हमें, बाकी हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो ये छोले मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे और 4 से 5 सीटी आने तक मैंने यहाँ पे इसको उबाल लिया था। तो हम ये छोले सभी डाल लेते हैं और ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट के लिए हमें छोलों को ढककर पकाना है जिससे मसालों का फ्लेवर छोलों में आ जाए। 2 मिनट यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, छोलों पर मसाला अच्छी तरह यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे साइड से थोड़े बहुत मसाले लग जाएं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना तो चलता है। तो यहाँ पे मिला लेंगे। अब कलर देखिए यहाँ पे बिल्कुल भंडारे हो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे मंदिरों में हमारा प्रसाद मिलता है ना वैसे ही। कलर देखिए आप एक बार इसका, तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी लिया हुआ था, आपको जितनी ग्रेवी थिक चाहिए उस हिसाब से लीजिए पानी। थोड़ा और डालेंगे यहाँ पे। अब हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना, तब तक हम यहाँ पे आटा गूंद लेंगे। 2 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ है, पूड़ी का आटा हमें यहाँ पे कढ़ाई लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटे को लगा लेंगे। एक सख्त डो हमें यहाँ पे तैयार करना है। आटे को हमें यहाँ पे हथेलियों से अच्छे से गूंद लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे घी लेंगे 1 चम्मच, जिससे हमारा डो स्मूथ हो जाए। तो यहाँ साइड से हम आटा लगा लेते हैं और ढक के रख देते हैं, तब तक हम छोले की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे छोलों में 1 बॉयल आ चुका है और साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए और ढककर लो फ्लेम पर पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जब भी आप कोई भी डिश आप फिनिश करें ना, तो गैस के फ्लेम को लो कर लें, उसका ऑयल ऊपर आने दें। तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा ऑयल ऊपर आ गया है, एक लेयर आ गई है, और यहाँ पे हमारे ग्रेवीदार यहाँ पे हमारे छोले तैयार हुए हैं, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी धनिया डाल लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। हम यहाँ पे हटा लेते हैं और पूड़ियों के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे दो कटोरी यहाँ पे मैंने ऑयल लिया हुआ है, ऑयल को गर्म हो जाने देंगे, तब तक हम यहाँ पे अपनी लोई तैयार कर लेते हैं। आटे को ऐसा लंबा करके लोई तोड़ लेंगे। गैस को यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे करते हैं, ऑयल गर्म हो चुका है, तब तक हम यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल वाली पूड़ी तैयार कर रही हूँ, वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है, मेरे से बनती नहीं है, बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, बन गई है ये। तो देखते हैं बाकी बन पाती हैं कि नहीं बन पाती हैं, मुझसे नहीं बनती, मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ, मुझसे बनती ही नहीं है, पता नहीं। और मम्मी बनाती हैं तो उनकी बन जाती है। कितने लोग हैं ऐसे जो लोग ऑयल की पूड़ी नहीं बना पाते हैं, पत्थन की बना पाते, देख रखते हैं, मतलब गोल नहीं बनी है। तो दूसरी भी हम यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बनी नहीं है, भारत का नक्शा बन गया है। तो अब हम इसको हटा लेंगे, अब वही हम पत्थर लेंगे, उससे ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये तो हमारी गोल बन ही जाएगी। तो ये तो मैंने गोल बना ली है, बस मुझे तेल की नहीं बनती है, यहाँ पे तल लेंगे। और जब भी
जब हम कोई भी भटूरे या पूड़ी तले ना, तो उसको गैस का हाई फ्लेम ही रखना चाहिए, तभी वो हमारी फूली फूली पूड़ियाँ या भटूरे हमारे बन के तैयार होंगे। ऐसे ही मैं अपनी सभी पूड़ियाँ तल लूँगी। तो ये मेरी यहाँ पर लास्ट है, इसको हम तल लेते हैं, पलट लेंगे। तुम्हारी यहाँ पे सभी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्लेटिंग के लिए यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल भंडारे वाले छोले हमारे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया लिया हुआ है, लगा लेते हैं इस पे, और पूड़ियाँ यहाँ पे हम सर्विंग के लिए रख लेते हैं। लो जी, तो यहाँ पे हमारी सभी पूड़ियाँ आ गई हैं। थोड़े से यहाँ पे मैं सैलेड ले लूंगी, तो तैयार है हमारे भंडारे वाले छोले पूरी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी बने थे ये। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।